एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अकाल पड़ता है तो पीहर और ससुराल दोनों जगह एक हाथ पड़ता है। अब चाइना ने बांग्लादेश को क्यों कहा है मेरे पैसे वापस दो, मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं हूँ। हालांकि आपको बता दूं, बांग्लादेश में इस समय एक बड़ा क्राइसिस है फॉरेन करेंसी का और बैंकिंग सिस्टम का, इन सब के बीच में ये चीजें निकल कर आ रही है। जानेंगे क्या है मामला, जिस चीज को लेकर ये कहा गया कि ये भारत के लिए खतरा बनेगा वो खुद बांग्लादेश के लिए खतरा बन गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जहां एक तरफ ये सीन है तो वहीं दूसरी तरफ यूके की पूर्व मिनिस्टर ने ये क्यों कहा कि हमने भारत के साथ होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रोका और भारत बहुत मजबूत स्थिति में था। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दूं, जब इस बार यूके में चुनाव हो रहा था ना, तो इस बात को कहा गया था वहाँ के विपक्षी दल के शैडो फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा कि आखिरकार कब तक, कितनी दिवाली आई और कितनी दिवाली चली गई, हमने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं साइन किया। इसके बाद ये बार बार जब चुने गए और सत्ता पर ये पहुंच चुके हैं तो इन्होंने बार बार कहा कि हम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं और इसके लिए यहाँ पहुंचे भी थे। कहा गया कि नई सरकार हर हाल में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती है। चूंकि भारत की इकोनॉमी इस समय काफी बढ़िया पोजिशन में चल रही है, पर भारत ने कहा है कि हम यूं ही ये समझौते नहीं कर सकते हैं, आप जल्दबाजी में ये समझौता साइन करना चाहते हैं लेकिन हम इस समझौते को जल्दबाजी में साइन नहीं करना चाहते हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पर पूरा मुद्दा फंसा हुआ है एक चीज को लेकर, प्रवासी भारतीयों को लेकर। अब इसी चीज का यहाँ पर खुलासा किया गया, ये चाहते हैं कि हम अपनी शर्तों पर भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें और भारत चाहता है कि तुम मेरे शर्तों पर करो। इसी चीज का खुलासा किया है इनकी पूर्व मंत्री ने। ब्रिटेन में खुद कई राजनीतिक घटनाएं चल रही हैं और इस बीच पूर्व व्यापार और वाणिज्य सचिव केमी बेडनोच ने एक दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता, लेकिन भारतीय मांग रहे थे अधिक वीजा और इसीलिए मैंने इसे रोक दिया। केमी बेडनोच, जो कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख और विपक्षी नेता के रूप में ऋषि सुनक की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं, इन्होंने बताया कि भारत सरकार प्रवासन पर अधिक रियायतें चाह रही थी लेकिन मैंने एक व्यापार सचिव होने के रूप में अस्वीकार कर दिया। हालांकि आपको बता दूं, कहा जा रहा है कुछ पूर्व सहयोगियों के द्वारा कि नहीं, ये जो अभी कह रही है ये गलत कह रही है, दरअसल ये उस वक्त खूब चाह रही थी लेकिन एक ही मुद्दा था जहां पर अटक गया था। भारत अपने शर्तों पर चाह रहा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जाहिर तौर पर अप्रवासन एक बड़ा मुद्दा था और बात यहां बन नहीं पाई, जिसकी वजह से ये साइन नहीं हो पाया। हालांकि नई सरकार भी कोशिश कर रही है लेकिन भारत सरकार कीर स्टार्मर की इस नई सरकार के साथ अगले महीने बातचीत कर सकती है, पर अभी तक इन्होंने एकदम से तय नहीं किया है। भारत ने बड़े ही कठोर अंदाज में पिछली बार जवाब दिया था कि नहीं जी, हम कोई जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाने वाले हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ अचानक से चाइना अपना रूप बदलता हुआ नजर क्यों आ रहा है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, ये आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है और ये आर्टिकल कब आया था, ये आर्टिकल तब आया था जब यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुंची थी शेख हसीना चाइना, और शेख हसीना ने चाइना में 5 दिन रुकना था लेकिन उन्होंने अपनी जो यात्रा थी इस यात्रा को बहुत छोटा कर दिया था। हालांकि आज की डेट में ये कह रहे हैं कि यात्रा छोटी करने की वजह ये थी कि चाइना के द्वारा ऐसा लगता है जैसे उसे सूचना दी गई थी कि तुम्हारे यहाँ कुछ समस्याएं होने वाली है। 11 जुलाई को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इस आर्टिकल में ये कहा जा गया कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने 8 से 10 जुलाई तक यहाँ विजिट किया और फिर से चुने जाने के बाद उनकी ये पहली यात्रा थी। ये बहुत ही बढ़िया यात्रा रही। दोनों देशों ने इस चीज को लेकर तय किया है कि वो एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। एक डेवलपिंग मेजर कंट्री होने के नाते हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे वगैरह वगैरह।
यहाँ पर एक और चीज की बात हुई, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर एक तस्वीर साझा हुआ और ये तस्वीर था पद्मा ब्रिज का। ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को माना गया कि बांग्लादेश का ये सबसे बड़ा ब्रिज होगा, पद्मा नदी पर बनाया जाने वाला ये ब्रिज। और जब ये ब्रिज बन रहा था तब ये कहा गया कि ये ब्रिज जिस दिन बनकर तैयार हो गया उस दिन भारत के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हालांकि इस ब्रिज को बना पाना इतना आसान नहीं था। चाइना ने इस ब्रिज को बनाते वक्त अपनी इंजीनियरिंग का नमूना भी दिया, और इसलिए नमूना दिया क्योंकि ये जो ब्रिज बनाया जा रहा था ये पद्मा के उस हिस्से पर बनाया जा रहा था जहाँ पानी बहुत ही ज्यादा गहरा है, और चाइना यहाँ अपनी इंजीनियरिंग स्किल भी प्रूफ कर रहा था। पर पद्मा प्रोजेक्ट को पूरा करना इतना आसान नहीं था। इसलिए आसान नहीं था क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया है चाइना क्या करता है, जब किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है किसी देश के अंदर तो उसकी शर्त यही रहती है कि इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दे दो हमारी कंपनी को और उस पे हमारे ही वर्कर्स ज़्यादातर काम करेंगे। आपके भी वर्कर्स रहेंगे लेकिन कुछ खास खास पोजीशन पे हमारे वर्कर्स रहेंगे, उनकी संख्या हम निर्धारित करेंगे। अब इससे क्या होता है कि जो पेमेंट है, एक तो उन्होंने कर्जा दिया और कर्जा देने के बाद जो पेमेंट है वो पेमेंट फिर उनकी ही कंपनियों को चला जाता है। अब ऐसे में ज़्यादातर जो पेमेंट होता है डॉलर में होता है और इसके लिए फॉरेक्स रिजर्व को खाली करना पड़ता। चाइना का ये प्रोजेक्ट सबसे बड़ा मुसीबत लेकर आया बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इसमें लगातार पैसे लगाने शुरू कर दिए। जब इन्होंने पैसे लगाने शुरू कर दिए एक ऐसा मौका भी आया जब इनके पास पैसे खत्म हो गए। जब पैसे खत्म हो गए ये वर्ल्ड बैंक के पास पहुंचे और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि नहीं जी अभी तो हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं, आपको हमने पिछली बार पैसा दिया था उसका बहुत सारा हिसाब किताब बाकी है और कुछ ऐसी भी चीजें हुई थी जिन चीजों को लेकर अभी भी जांच का विषय है। यहाँ वर्ल्ड बैंक ने कैंसिल कर दिया। जब वर्ल्ड बैंक ने कैंसिल कर दिया तो इस प्रोजेक्ट को लेकर शेख हसीना सरकार ने उस समय कहा गया कि अपने ही फॉरेक्स रिजर्व से इन्होंने पैसे निकालने शुरू कर दिए और पैसे निकालकर इस प्रोजेक्ट में डालना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर आप इस कार्टून को देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस कार्टून को रिलीज किया है। इस कार्टून में यह दिखाया गया कि ये क्या कर रही है, ये ब्रिज को बनाने के लिए अपने ही बैंक को यहाँ पर डाले जा रही है और ये ब्रिज का निर्माण हो रहा है, यानी मसाले के तौर पर इनके बैंक जा रहे हैं। अब यहाँ फॉरेक्स रिजर्व भी घटा और इनके बैंकों के पास संपत्ति भी घटी, जो अभी हाल के दिनों में आपको देखने को मिल रहा है एक बड़े क्राइसिस के रूप। अब आपके मन में ख्याल आएगा चाइना का क्या रोल है, तो चाइना ने अब क्या कहा है, चूंकि इनको पेमेंट करनी है मां ब्रिज रेल लिंक की और चाइना ने यहां पर बिल पेमेंट के लिए टाइम को बढ़ाने से मना कर दिया है और इनका जो बिल है वो बिल बनता है पेमेंट का डेट नवंबर 17 2024, जिसकी बाद बांग्लादेश के लिए एक चैलेंज खड़ा हो गया है कि बांग्लादेश किस चीज़ को माने और किस चीज़ को न माने, क्योंकि यहाँ पेमेंट के लिए इन्हें अब पैसे देने हैं। खैर, अब ये चाइना को कैसे मनाते हैं ये तो देखना होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।